हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वी आर इन आवर थर्ड लेक्चर ऑन टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। सो पहले दो लेक्चर्स में हम लोगों ने एवरेज स्पीड और रेशियोज अच्छे से कवर कर लिया था। सो टुडे वी शैल बी कवरिंग अ कॉन्सेप्ट ऑन रिलेटिव स्पीड। ठीक है, तो पहले रिलेटिव स्पीड को अच्छे से समझेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटिव स्पीड, एंड देन वी विल डिस्कस सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट जो आपके एग्जाम में भी आ चुके हैं और कुछ क्वेश्चंस जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड जल्दी से गाइस कंफर्म कर दो कि आई एम ऑडिबल विजिबल, है ना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड आई विल स्टार्ट विद अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माय सेल्फ। माय नेम इज दीपक जरयाल, आई एम अ फिजिक्स ऑनर्स एंड एमबीए फ्रॉम सिम्बायसिस, स्कोर्ड मोर देन 99% इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड गाइस इन कैट 2018 एंड 99.2% माय सेल्फ इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इन 2017। इनफैक्ट आई हैव बीन गिविंग कैट सिंस 2007 and I've been teaching since 2006. That has given me 14 plus years of teaching experience. I want to share this experience with you guys, and the best platform to share this experience right now is the Unacademy Learning App platform. So I want you to download this particular app from the Play Store. Jaldi se download kijiye, and you know, these are the options that you're going to get once you download it. Theek hai, to pehle aapko free courses, special classes dekhne ko milenge, to mera suggestion ye hoga ki एक बार ये फ्री कोर्सेज और स्पेशल क्लासेस अटेंड करके देखिए, सो दैट यू अंडरस्टैंड द एंटायर इंटरफेस अच्छे से कि किस तरह से पूरा फंक्शन काम करता है, किस तरह से आप फैकल्टी से इंटरैक्ट करते हैं, किस तरह से फैकल्टीज आपके क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड करते हैं, और किस तरह के अलग अलग कोर्सेज, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ फ्री कोर्सेज, देयर आर लॉट ऑफ स्पेशल क्लासेस एंड देयर आर लॉट ऑफ फ्री टेस्ट्स दैट आर अवेलेबल ऑन द प्लेटफॉर्म। तो उस प्लेटफॉर्म पर पहले आइए और उसके जितने भी उसके टूल्स हैं उनको यूज कीजिए। ठीक है, एंड जैसे आपको एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच की जरूरत महसूस होगी, एंड ऑफकोर्स दिस इज द राइट टाइम राइट नाउ इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी एंड द कैट इज ओनली 10 मंथ्स अवे फ्रॉम अस, सो वी हैव टू प्लान दिस एंटायर ईयर बहुत ही प्रॉपरली। तो जल्दी से स्ट्रक्चर अप्रोच के लिए आई वुड रिकमेंड दैट यू ज्वाइन प्लस। जब आप प्लस ज्वाइन करने के लिए आएंगे तो अलग अलग ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। तो मेरा सजेशन होगा कि क्योंकि जब आप एमबीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो कैट वुड बी योर गोल, राइट। तो जो आपका गोल होगा दैट वुड बी कैट, हालांकि उसका नाम है कैट, बट कैट रिप्रेजेंट कर रहा है सभी एमबीए एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन को। ठीक है, तो कैट इज अ गोल यू वुड बी सिलेक्टिंग एंड आपको सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद ये सारे ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपने पिकअप करना है, आई जस्ट गिव यू अ ब्रीफ गाइडेंस अबाउट इट, कि क्योंकि वी आर इन द मंथ ऑफ फरवरी, राइट। सो कैट होगा नवंबर में, सो कैट हैपेंस इन द मंथ ऑफ नवंबर। सो दिसंबर में विल हैव स्नैप, है ना। जैट होगा जनवरी में, ठीक है। आईएफटीबी जनवरी में, जैसे इस साल जनवरी में हो तो आई एम एक्सपेक्टिंग अगले साल भी अगर जनवरी में रखते हैं। महाराष्ट्र सीईटी होगा अपना मार्च में, है ना। सो बेसिकली नेक्स्ट ईयर मार्च तक आपको साथ में रहना है। तो आई वुड रिकमेंड दिस 12 मंथ्स कोर्स फॉर कैट 2021, एंड इफ यू टारगेटिंग कैट 2022 दे कैन पिक अप 24 मंथ्स कोर्स आल्सो। ठीक है, सो कौन लोग कैट 2021 दे सकते हैं, जो 2021 में अपने कॉलेज के फाइनल ईयर में होंगे, एटलीस्ट फाइनल ईयर में होने चाहिए या फिर ग्रेजुएट हो जाने चाहिए। ठीक है, सो दोस पीपल कैन गिव कैट 2021, और कैट 2022 वो टारगेट कर पाएंगे जो 2022 में फाइनल ईयर में जाएंगे। ठीक है, दैट इज अ मिनिमम एजुकेशन क्राइटेरिया व्हेन यू अपीयरिंग फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम। प्रिपेयर करने का तो कोई टाइम नहीं, यू कैन स्टार्ट, अगर आप फर्स्ट ईयर में है तो भी यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन, नॉट अ प्रॉब्लम विद दैट। ठीक है, और 6 मंथ्स एंड 12 मंथ्स एंड 24 मंथ्स के ऊपर नो कॉस्ट ईएमआई ऑप्शंस भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। इनमें आपको कोई भी ऑप्शन आप पिकअप कर सकते हैं, 10% इंस्टेंट ऑफ भी मिल जाएगा इफ यू यूज द कोड DJ10। अभी कोड यूज कीजिए, आपको इंस्टेंटली 10% ऑफ भी मिल जाएगा। सो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड एंड बेसिकली अपने जो है गुड मॉर्निंग तीर्थ ज्योति अर्पिता, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और थोड़ा सा ना एक्सप्लेनेशन पे ध्यान से सुनना कि एक्सप्लेनेशन में क्या कहना चाह रहा हूँ, और एक बार एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना गाइस, तो इस ये जो रिलेटिव स्पीड कॉन्सेप्ट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जब हम कॉन्सेप्ट्स क्वेश्चंस रिलेटेड टू रेसेस, क्लॉक्स, इन सब क्वेश्चंस में आएंगे, एस्केलेटर्स, इन सब चीजों में आएंगे ना, तो ये वाला जो रिलेटिव स्पीड कॉन्सेप्ट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ऑल्दो आपको मैं डेफिनेशन से स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो डेफिनेशन को अच्छे से सुनिए, समझिए, और एक बार उस पर टाइम अपने स्पेंड कर लिया कि थ्योरी क्या है, इसकी थ्योरी बैकग्राउंड क्या है, एक बार वो अच्छे समझ में आ गया, देन जो है कोई भी क्वेश्चन आपको ट्रबल नहीं करेगा एज फार एज रिलेटिव स्पीड के क्वेश्चन आर कंसर्न। ठीक है,
लेट मी गेट स्टार्ट. रिलेटिव स्पीड को डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ. पहले डेफिनेशन है यहाँ पे, वो कहता है द चेंज इन द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स पर यूनिट टाइम. गाइस फोकस वर्ड अभी क्या है अपना, चेंज. चेंज मतलब क्या होता है गाइस, बढ़ना भी चेंज होता है, इंक्रीज या फिर डिक्रीज, है ना, ये दोनों चेंज ही है ना गाइस, इंक्रीज या फिर डिक्रीज कह लीजिए, दे बोथ आर चेंजेस. सो चेंज इन द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स पर यूनिट टाइम, पर मिनट, पर सेकेंड, पर आवर, कितना डिस्टेंस चेंज हो रहा है दोनों में, वो रिप्रेजेंट करेगा रिलेटिव स्पीड को. गाइस आप रिलेटिव स्पीड को इस तरह से भी समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कि यू नो दो दो गाड़ियां हैं, ठीक है, आप ये गाड़ी आपके सामने से 10 किलोमीटर पर आर की स्पीड से मूव करके गई, आप स्टेशनरी हो इस जगह पे, ठीक है, तो आपके सामने जो गाड़ी मूव करके गई आपके लिए उसकी स्पीड क्या होगी, 10 किलोमीटर पर आर ही होगी. लेकिन अगर आप भी अगर इसकी डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दिया, इसी डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दिया, तो आपको जो इसकी जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आर रिलेटिव टू यू नजर वैसी नहीं आएगी ना. जैसे कि अगर आप भी 10 किलोमीटर पर आर की स्पीड से ही मूव करना शुरू कर दिया, तो आप दोनों जो है गाड़ी और आप दोनों जो है पैरेलल मूव कर रहे होंगे, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर आपकी जो रिलेटिव स्पीड होगी वो होगी जीरो, क्योंकि आप एक तरह से आप एक दूसरे के लिए स्टेशनरी हो, बाकी दोनों मूव कर रहे हैं, बट आप एक दूसरे, बाकी सब जो स्टेशनरी बॉडीज हैं उनके लिए आप मूव कर रहे हो, बट आप दोनों के लिए एक दूसरे, आप एक ही जगह पे हो, ठीक है. सो विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर जो है आपकी रिलेटिव स्पीड क्या है, जीरो रहेगी, ठीक है. तो ये ऑब्जेक्टिव है, तो उसी चीज को यहाँ पे कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज ये डेफिनेशन जो है ना इसको आप समझ जाएंगे तो, क्योंकि ना हमारे जो भी क्वेश्चन बनते हैं एज फार एज यू नो हमारा एमबीए एंट्रेंस एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं या फिर एप्टीट्यूड में रिलेटिव स्पीड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो इसी डेफिनेशन को यूज करते हैं गाइस, ठीक है. तो ये जो यहाँ पे कह रहा है इसको यहाँ पे थ्योरेटिकली लिख दिया मैंने, एकदम जैसे सेंटेंस वाइज लिख दिया. वो कह रहा है चेंज इन द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स पर यूनिट टाइम. यूनिट टाइम आप पर सेकंड ले लीजिए, पर मिनट ले लीजिए, पर आवर लीजिए, जो बोलना है. तो जैसे भी आपको सिचुएशन होगी उस हिसाब से आपको जो है यहाँ पे रिलेटिव स्पीड अंडरस्टैंड करनी है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इफ आई पिक इट अप इस तरह से, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे बोलूं कि देयर आर टू पर्सन, ठीक है, ए एंड बी. सो ए एंड बी आर सेपरेटेड लेट्स से बाय अ डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर, ठीक है, ए एंड बी के बीच में डिस्टेंस है 20 किलोमीटर का. ए की स्पीड आप ले लीजिए मान लीजिए 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और बी की स्पीड आप ले लीजिए 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एंड दे बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, तो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो और दे हैव स्टार्टेड टू मूव साइमल्टेनियसली गाइस, साइमल्टेनियसली उन्होंने साथ में चलना शुरू किया. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, जब भी आप क्वेश्चंस रिलेटेड टू रिलेटिव स्पीड सॉल्व करें तो प्लीज लुक आउट फॉर दिस पर्टिकुलर वर्ड साइमल्टेनियसली. ये साथ में स्टार्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो, ठीक है, क्योंकि साथ में स्टार्ट नहीं कर रहे हैं. जैसे आपको मैंने बताया विद रिलेशन टू ईच अदर होता है, तो अगर आप दोनों दो आप और वो गाड़ी अगर साथ में स्टार्ट नहीं कर रहे हैं तो आपको लगेगा कि यू नो आप जब मूव नहीं कर रहे थे तो गाड़ी मूव कर रही थी, तो उस जो जो स्पीड होगी वो सिर्फ गाड़ी की स्पीड होगी ना, आपकी स्पीड तो उसमें कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रही है. तो जब भी हम रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट यूज करें तो एक ऐसा सिचुएशन में करें जब दोनों बॉडीज साइमल्टेनियसली मूव कर रहे होंगे, ठीक है, तो साथ में मूव करना ये बड़ा जरूरी है. मैं इसके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे रहा हूँ तो आप समझ जाइए कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो साइमल्टेनियसली स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है. तो जैसे कि आपने देखा कि ए और बी की स्पीड कितनी है, 4 and 1, तो अभी जैसी गाड़ी स्टार्ट होगी, जैसी रेस जो है दोनों जो है साइमल्टेनियसली स्टार्ट करेंगे टूवर्ड जीच अदर, ये ए इस तरफ जा रहा है, ये बी इस तरफ जा रहा है, ठीक है, तो ये एक घंटे में आफ्टर 1 आवर लेट्स से एक घंटे में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 4 किलोमीटर, और ये उसी टाइम पे ये कितना कवर करेगा, ओनली 1 किलोमीटर, राइट. तो इसने 4 किलोमीटर कर दिया, इसने 1 किलोमीटर खत्म कर दिया. दीज आर दी न्यू पोजीशंस ऑफ ए एंड बी. नाउ नाउ ये मान लीजिए ए डैश और ये बी डैश, ये न्यू पोजीशंस है, तो आप बता के देखिए कि आप दोनों में गैप कितना रह गया. तो इसने 4 खत्म कर दिया, इसने 1 खत्म कर दिया, तो इन टोटल 5 खत्म हो गया ना, तो 5 खत्म हो गया और रह कितना गया, 15 रह गया. तो आपने ये देखा कि पर आर पर एक घंटे में कितना डिस्टेंस खत्म हो गया, 5 किलोमीटर का. तो दूसरे घंटे में नेक्स्ट आर में ए और चलेगा 4 किलोमीटर एंड बी और चलेगा 1 किलोमीटर, तो यानी कि जो टोटल गैप खत्म होगा फिर से 5 किलोमीटर का खत्म होगा इन 1 आवर, है ना. सो
एक घंटे में कितना डिस्टेंस खत्म हो रहा है, 5 किलोमीटर का, ठीक है। सो 5 किलोमीटर का खत्म हो रहा है, तो वी कैन से द रिलेटिव स्पीड। तो गाइस यहाँ पे चेंज का क्या मीनिंग निकल के आ रहा है, चेंज का मीनिंग निकल के आ रहा है डिक्रीज इन द डिस्टेंस, डिक्रीज इन द डिस्टेंस, है ना, डिक्रीज हो रहा है दोनों में डिस्टेंस। पर आर कितना डिक्रीज हो रहा है, ये 4 खत्म कर रहा है, ये 1 खत्म कर रहा है, ये फिर से 4 खत्म कर रहा है, ये 1 खत्म कर रहा है, यानी कि पर आर कितना डिक्रीज हो रहा है, 5 किलोमीटर, विच इज नथिंग बट द सम ऑफ दीज टू स्पीड्स। सो 4 + 1 कितना हो गया, 5, है ना। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जब भी ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, रिलेटिव स्पीड वुड बी द सम ऑफ दीज टू स्पीड्स, ठीक है, ये पक्की बात होगी। ना ये केस तो पेक्यूलर सा है, पेक्यूलर केस का मतलब क्या है कि यार यहाँ पे ना ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ये आपने नोट कर लिया। लेकिन ये ऐसा सिनेरियो बन रहा है कि जब दोनों जो है मिलने वाले हैं, ये मिल सकते हैं ना गाइस, जब दे बोथ आर सेपरेटेड बाय अ पर्टिकुलर डिस्टेंस, ये दोनों एक डिस्टेंस से सेपरेटेड है, तो दे बोथ आर गोइंग टू मीट, राइट। अगर ये दोनों मिलने वाले हैं तो, और अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, तो ये एक कंसेप्ट बन रहा है यहाँ पे। ना उसी तरह से अगर मैं ये सिचुएशन क्रिएट करूं कि चलो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कराते हैं, बट अगर नहीं मिलने वाले हो तो कैसे होगा, कि मान लीजिए बी इस तरफ मूव कर रहा है और ए इस तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, तो ए की स्पीड वही रखते हैं 4 किलोमीटर पर आवर और बी की स्पीड वही रखते हैं 1 किलोमीटर पर आवर, तो एक घंटे में ए कितना चल जाएगा 4 किलोमीटर और उसी टाइम पे बी कितना चलेगा 1 किलोमीटर। तो यानी कि अभी भी दोनों ये दो इस तरफ जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो अब इन दोनों केसेस में, इस वाले केस में और इस वाले केस में सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहे हैं। डिफरेंस क्या है गाइस, डिफरेंस ये है कि इस केस में दोनों मिलने वाले हैं और इस केस में दोनों नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है, कभी नहीं मिलेंगे, तो बोथ आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो एक घंटे में ये कितना चलेगा 4, ये एक घंटे में कितना चलेगा 1। तो यहाँ पे ये दोनों के बीच में पहले यहाँ पे गैप कितना था, 0 था, पहले 0 था, अब गैप कितना हो गया 5 का, फिर ये एक और घंटे में और चलेगा 4, ये फिर से एक और चलेगा, तो अब दोनों में कितना, यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना हो गया 8, इस यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना हो गया 2, अब दोनों में गैप कितना हो गया 10 का। तो अब जो है गैप बढ़ रहा है, तो यहाँ पे पहले चेंज का मीनिंग क्या निकल के आ रहा था, डिक्रीज, अब चेंज का मीनिंग क्या निकल के आ रहा है, इंक्रीज। अब क्या हो रहा है, इंक्रीज इन द डिस्टेंस पर आर, तो इंक्रीज इन द डिस्टेंस पर आर कितना हो रहा है 5, विच इज स्टिल नथिंग बट द सम ऑफ द टू स्पीड्स। तो कॉमनैलिटी क्या है गाइस, चाहे वो मिले या ना मिले, रिलेटिव स्पीड क्या होगा, इफ द ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन इट विल ऑलवेज बी द, मान लीजिए ये स्पीड है ए की, ये स्पीड है बी की, इफ दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन तो रिलेटिव स्पीड विल ऑलवेज बी द सम। गाइस आपको बहुत माइन्यूट सी चीज लग रही होगी या छोटी सी लग रही है, हां रिलेटिव स्पीड इज द सम ऑफ द टू स्पीड्स, बट मैं चाह रहा हूं ये डेफिनेशन आप ज्यादा इस पे फोकस करें, चेंज इन द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स पर यूनिट टाइम। तो चाहे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, रिलेटिव स्पीड वुड ऑलवेज बी द सम ऑफ द टू स्पीड्स इफ दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे क्वेश्चंस बनाने की बारी आएगी, राइट। तो क्वेश्चन बनाने की बारी आएगी, तो अगर मैं पहले वाले सिचुएशन में क्वेश्चन ये बनाऊं आपसे, आपके लिए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, है ना, तो पहले सिचुएशन में क्वेश्चन ये बनाऊं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 किलोमीटर पर आवर था, यहाँ पे 1 किलोमीटर पर आवर था, दोनों में गैप था 20 किलोमीटर का, कितनी देर में दोनों मिलेंगे, है ना, क्योंकि मिलने वाले, तो ऑफकोर्स आई कैन क्रिएट अ क्वेश्चन कि कितनी देर में दोनों मिलेंगे। यहाँ पे दोनों जो है स्टार्टिंग पॉइंट पे है, तो अभी कितनी देर में दोनों मिलेंगे ये तो क्वेश्चन बनेगा नहीं, क्योंकि यार अभी मिलने वाले है ही नहीं ना। अब मेरा मान लीजिए यहाँ पे सवाल है आपसे कि कितनी देर में दोनों मिलेंगे, तो आप बोलोगे कि एक घंटे में कितना डिस्टेंस खत्म हो रहा है 5, एक घंटे में कितना खत्म हो रहा है 5, तो 20 खत्म करने के लिए कितना टाइम लगेगा 20/5 विच इज 4 आवर्स, यस और नो। उसी तरह से यहाँ पे अभी दोनों मिलने वाले तो नहीं है ना, दे आर नॉट गोइंग टू मीट, तो मैं नहीं पूछूंगा कि कितनी देर में दोनों मिलेंगे, मैं आपसे पूछूंगा कितनी देर में दोनों के बीच में डिस्टेंस हो जाएगा, लेट्स से 50 किलोमीटर, कितनी देर में दोनों के बीच में डिस्टेंस हो जाएगा 50 किलोमीटर। तो आप देख रहे हो एक घंटे में कितना क्रिएट हो रहा है 5 किलोमीटर का, दूसरे घंटे में कितना क्रिएट हो रहा है 10 किलोमीटर का, यानी कि पर आर जो है वो क्रिएट हो रहा है 5 किलोमीटर का, तो 50 क्रिएट करने के लिए कितना टाइम लगाएगा 50/5 विच इज हाउ मच 10 आवर्स लगा देगा। तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि टाइम, है ना, टाइम इज बेसिकली इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। गाइस ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप सिर्फ इस फॉर्मूला को नोट मत कीजिए, क्योंकि ये फॉर्मूला जो है कॉन्टेक्चुअल है, कॉन्टेक्चुअल मतलब जैसा कॉन्टेक्स्ट होगा, जिस तरह की सिचुएशन होगी उस तरह से ये अपना अपना जो है रंग बदल देगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो डिस्टेंस डी है ना,
दिस इज नॉट जस्ट द डिस्टेंस, ठीक है, ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस, ये डी रिप्रेजेंट कर रहा है द डिस्टेंस और द चेंज इन द डिस्टेंस दैट यू वांट टू ब्रिंग अबाउट, जो चेंज आप लाना चाहते हो डिस्टेंस में। आप डिस्टेंस खत्म करना चाहते हो तो डिक्रीज इन द डिस्टेंस, आप डिस्टेंस क्रिएट करना चाहते हो तो इंक्रीज इन द डिस्टेंस। रिलेटिव स्पीड तो यही रहेगी गाइस, है ना, चाहे वो जैसे हम बात कर रहे थे, चाहे मिले या ना मिले गाइस, ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड तो हमेशा सम ऑफ द टू स्पीड्स ही रहेगी। ठीक है, अब इफ द ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, आई होप गाइस ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो प्लीज लेट मी नो, और चैट में लिख दो यस नो मे बी, ठीक है, या फिर लाइक डिसलाइक कुछ कर दो, जल्दी से जस्ट लेट मी नो कि ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, वंस यू नो दिस, अब जो है मैं इसको सिमिलर डायरेक्शन या सेम डायरेक्शन के बाद में डिस्कस कर सकता हूँ। ठीक है, तो सिमिलर डायरेक्शन में भी वही चीज होगी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दोनों एक पॉइंट पे खड़े हैं ए और बी, तो ए और ए की स्पीड आप ले लीजिए 3 किलोमीटर पर आवर, बी की स्पीड आप 2 किलोमीटर पर आवर लीजिए, और दोनों फिर से क्या कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली स्टार्ट कर रहे हैं, तो ए 1 घंटे में कितना चलेगा 3 किलोमीटर, बी उसी टाइम पे कितना चलेगा 2 किलोमीटर, राइट, तो ए 3 किलोमीटर चला, बी 2 किलोमीटर चला, दोनों में गैप कितना क्रिएट हो गया 1 किलोमीटर का। अभी बताइए दोनों में गैप था पहले कितना था, 0, दोनों साथ में थे ना, दोनों में गैप था 0 का, अब दोनों में 1 घंटे बाद गैप कितना क्रिएट हो गया 1 किलोमीटर। अच्छा, दिस इज ए एंड दिस इज बी, और ये पहले अभी ये बी ने कितना चल गया 2, तो मैं बी की पोजीशन इस क्रॉस से दिखा देता हूँ। ठीक है, नाउ अभी आप समझ लीजिए ऐसा, तो ए 1 और घंटे बाद कितना चलेगा 3 किलोमीटर और चलेगा, बी कितना चलेगा 1 और घंटे बाद 2 किलोमीटर चलेगा, अब दोनों में गैप कितना हो गया 2 किलोमीटर का, तो पहले गैप था 1, फिर गैप कितना हो गया 2, तो यहाँ पे पहले इनफैक्ट सबसे पहले गैप कितना था 0, फिर 1 हुआ, फिर 2 हुआ, तो अभी फिर मैं अगर मैं 1 और घंटे में इंक्रीज करता हूँ, मतलब आप चलो बोलते हैं कि यार 1 और बार चलो, तो 1 और घंटे में ए कितना चल जाएगा 6 किलोमीटर फ्रॉम द स्टार्ट, एंड बी कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर फ्रॉम द स्टार्ट, अब दोनों में गैप कितना हो गया 3 किलोमीटर का, तो अगर मैं इसी तरह से चलाता रहा तो दोनों के बीच में जो गैप है वो बढ़ता जाएगा, राइट, तो बढ़ता जाएगा बाय व्हाट किलोमीटर्स, बाय 1 किलोमीटर पर आवर, राइट, तो यहाँ पे चेंज का क्या मीनिंग निकल के आ रहा है, इंक्रीज इन द डिस्टेंस, ये सुनो, तो डिस्टेंस बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है पर आर, बाय व्हाट किलोमीटर्स, बाय 1 किलोमीटर, राइट, व्हिच इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन दीज टू स्पीड्स ना, तो 3 और 2 के बीच में गैप कितना होता है 1 किलोमीटर का ना, तो बाय 1 किलोमीटर जो है इट इज इंक्रीजिंग, वो हमने देखा, और वो रिप्रेजेंट कर रहा है बाय द डिफरेंस बिटवीन दीज टू स्पीड्स। ठीक है, तो इस केस में क्या पेक्यूलरिटी निकल के आ रही है कि दे बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, 1, दूसरा क्या है कि वो एक ऐसा सिनेरियो बन रहा है कि जो स्लोअर पर्सन है वो फास्टर पर्सन को चेज करने की कोशिश कर रहा है, द स्लोअर पर्सन इज ट्राइंग टू चेज द फास्टर पर्सन, तो सोचो ना गाइस, अगर कोई स्लोअर पर्सन चेज करेगा फास्टर पर्सन को तो कभी मिलेंगे क्या, नहीं मिलेंगे, राइट, तो आपसे सवाल भी नहीं बनेगा कि कितनी, पूछेगा ना कि कितनी देर में दोनों मिलेंगे, तो हमेशा सवाल पूछेगा कि कितनी देर में इतना एक पर्टिकुलर डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो मैंने आपसे पूछ लिया कि अच्छा व्हाट इज द टाइम टेकन, अगर कि यू नो आई वांट द डिस्टेंस टू बी बिटवीन देम इज 10 किलोमीटर का डिस्टेंस मुझे चाहिए, तो आप बोलोगे कि अच्छा पर किलोमीटर कितना गैप क्रिएट हो रहा है, वो कैसे पता करोगे, आप डिफरेंस देख लोगे, तो 3 - 2 हो रहा है 1, पर किलोमीटर कितना क्रिएट होगा 1 किलोमीटर का, तो 10 किलोमीटर क्रिएट करने के लिए कितना टाइम लगेगा, 10 आवर्स लग जाएगा, है ना, तो फिर से वही हुआ ना, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड यूज किया हम लोगों ने, और डिस्टेंस इज द डी इज द डिस्टेंस दैट यू वांट टू क्रिएट, कितना क्रिएट करना है 10 किलोमीटर का, और रिलेटिव स्पीड कितनी है 1 आवर ना, 1 किलोमीटर पर आवर ना, सो 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो 10 आवर्स लग जाएंगे आपको डिस्टेंस क्रिएट करना है। वहीं पे अगर मैं बोलूं, है ना, ये आपका ए का फाइनल पोजीशन है और ये बी का फाइनल पोजीशन है ना, इफ आई आस्क देम टू गो बैक, फिर से वापस जाओ जहां पे हो अभी, फिर से वापस जाओ, ठीक है, तो ए फिलहाल 3 किलोमीटर पे, बी फिर से 2 किलोमीटर, ए जो है और बी में गैप कितना है फिलहाल 3 किलोमीटर का, तो इफ आई आस्क देम टू गो बैक, गाइस वापस जाने को बोलोगे तो इधर ओन स्पीड 3 और 2 की स्पीड से वापस जाने को बोलो, तो इस केस में भी क्या हो रहा है, दे बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, लेकिन अब सिनेरियो ये हो रहा है कि जो फास्टर पर्सन है वो चेज करेगा स्लोअर पर्सन को, ए चेज करेगा ना बी को, तब दोनों में मिलने की गुंजाइश है, हाँ है, तो ए 1 घंटे में कितना चलेगा 3 किलोमीटर, बी उसी टाइम पे कितना चल जाएगा 2 किलोमीटर, तो अभी यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, अब दोनों में गैप कितना हो गया 2, पहले कितना था 3, अब कितना हो गया 2, फिर कितना हो जाएगा, ए 1 और 3 किलोमीटर चलेगा, बी फिर से 2 किलोमीटर चलेगा, अब दोनों में गैप कितना हो जाएगा 1 का, फिर कितना गैप हो जाएगा 0 का, तो पहले गैप था 3, फिर 2, फिर 1 हो गया, फिर 0 हुआ, तो यहाँ पे दूसरे केस में
चेंज का क्या मीनिंग निकल के आ रहा है, डिक्रीज, तो चेंज, इसलिए न्यूट्रल वर्ड ले लिया, इंक्रीज कहो या डिक्रीज कहो, चेंज है ना, दिस इज ऑलवेज चेंज. सो बोलते हैं इंक्रीज और डिक्रीज इन द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स पर आवर कितना हो रहा है, विच इज नथिंग बट 1 किलोमीटर पर आवर होगा, विच इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन द टू स्पीड्स. सो कहने का मतलब ये है कि अगर ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, द डिफरेंस बिटवीन द टू स्पीड्स. तो ना मैंने ऊपर एरो देखिए सेम लगाए, तो बोलता है कि अगर ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, द डिफरेंस बिटवीन द टू स्पीड्स, चाहे वो मिले या ना मिले. ठीक है, तो अगेन विल बी यूजिंग दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला. ठीक है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, तो कोई भी क्वेश्चन जब भी रिलेटिव स्पीड से रिलेटेड आएगा ना, तो ये फॉर्मूला ही आपको उस क्वेश्चन को पार लगाने में हेल्प करेगा. बट आपको कॉन्टेक्स्ट समझना है उस क्वेश्चन में कि आपको मिलाना है या नहीं मिलाना है. मिलाना है तो कुछ डिस्टेंस खत्म करना पड़ेगा. कितना डिस्टेंस खत्म करना पड़ेगा, डी खत्म करना पड़ेगा. अगर डिस्टेंस क्रिएट करना है तो कितना क्रिएट करना है, डी इज द डिस्टेंस दैट यू वांट टू क्रिएट. रिलेटिव स्पीड क्या, आपको सिचुएशन देखनी पड़ेगी कि अगर ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड आप डिफरेंस ले लीजिए, अगर अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या ले लीजिए, सम ऑफ द टू स्पीड्स. आई होप इट इज क्लियर गाइस. अगर ये थ्योरी समझ में आ गई है तो अब जो है क्वेश्चन कोई भी रिलेटिव स्पीड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपको रोक नहीं पाएगा. यू वुड बी एबल टू डू ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू रिलेटिव स्पीड. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. मैं कुछ इसको नटशेल में वो कर देता हूं, एक ना समराइज कर देते हैं. तो रिलेटिव स्पीड क्या समझ में है, तो चेंज इन द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स पर यूनिट टाइम. ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट क्या है जो मैंने बात किया था, तो ऑब्जेक्ट्स मस्ट मूव टूवर्ड्स और अगेंस्ट ईच अदर साइमल्टेनियसली. आपसे मैंने कहा था ना कि ऑब्जेक्ट्स को साइमल्टेनियसली मूव करना बहुत जरूरी है, कि अगर साथ में मूव नहीं कर रहे तो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगी कहाँ, बात कहाँ लगी. आपको लगेगा कि ऑब्जेक्ट्स एक ही बॉडी मूव कर रही है ना, तो उसी की स्पीड आप ले लेंगे. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट्स मस्ट मूव इन टूवर्ड्स और अगेंस्ट, तो चाहे वो सेम डायरेक्शन मूव करें या फिर एक साथ एक ही डायरेक्शन मूव करें, तो बोलता है इट विल ऑलवेज बी कोई फर्क नहीं पड़ता. बट अगर साइमल्टेनियसली मूव कर रहे हैं तभी आप रिलेटिव स्पीड का पॉइंट वहां पे उठा सकते हैं. ठीक है, दूसरा जो है ये तो मैंने पढ़ लिया. दूसरा क्या है, द ऑब्जेक्ट्स, इफ द ऑब्जेक्ट्स मूव इन अपोजिट डायरेक्शन तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, द सम ऑफ द टू स्पीड्स. इफ द ऑपोजिट ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन तो रिलेटिव स्पीड वुड बी द डिफरेंस बिटवीन द टू स्पीड्स. ठीक है, एंड टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन आर एस. ये आपको मैंने फॉर्मुला दे दिया, इसके बारे में आपको मैंने डिराइव करके भी दिखा दिया कि हाउ वुड इट लुक, कि यहाँ पे d क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, the change in the distance that you want to bring about. जितना चेंज आप चाह रहे हो, तो चेंज का गाइस इसको चेंज को हमेशा एक न्यूट्रल वर्ड की तरह देखो, कि डिस्टेंस दैट यू वांट टू क्रिएट और डिस्टेंस दैट यू वांट टू रिड्यूस. आर यू गाइस गेटिंग इट, आई होप इट इज क्लियर. लेट्स गेट स्टार्टेड टू सम क्वेश्चंस. ठीक है, कोई क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं एंड टेल मी द आंसर्स. ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने, गेट मी द आंसर क्विकली, जल्दी से आंसर बताओ. The ratio of the speeds of Karan and Arjun is 5:4. Arjun is ahead of Karan by 12 kilometers. If they're traveling the same direction, what is the distance in kilometers that Karan must cover to catch up with Arjun? Okay, jaldi se quickly answer tha. The ratio of the speeds of Karan and Arjun is 5:4. Arjun is ahead of Karan by 12 kilometers. If they're traveling in the same direction, what is the distance in kilometers that Karan must cover to catch up with Arun? ठीक है, जल्दी से find me the answer. Quickly, guys. 15. है ना? So the ratio of the speeds of Karan and Arjun. तो Karan की speed and Arjun की speed की ratio is how much? 5:4. ठीक है. ये तो टिपिकल है. उसके बाद कह रहा है अर्जुन इज अहेड ऑफ करण बाय 12 किलोमीटर. तो अर्जुन या ऐसे करण है और ये अर्जुन है, तो अर्जुन इज 12 किलोमीटर अहेड ऑफ हिम ना. ठीक है, तो 12 किलोमीटर आगे. इफ दे ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, तो सेम डायरेक्शन मूव कर रहे हैं.
ठीक है, इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. तो व्हाट इज द डिस्टेंस दैट करण मस्ट कवर टू कैच अप विद अर्जुन. तो करण को अर्जुन से कैच अप करना है. तो गाइस ऐसा नहीं कि अर्जुन स्टेशनरी, तो ये नहीं बोलेंगे ना कि 12 किलोमीटर में करण एंड अर्जुन वुड बी टुगेदर. ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे बिकॉज अर्जुन भी मूव कर रहा है. तो उन दोनों की स्पीड की रेशियो दी हुई है गाइस. तो आप एक्चुअल स्पीड ले सकते हो, करण की स्पीड ले सकते हो 5x और अर्जुन की स्पीड ले सकते हो 4x, ऐसे कर सकते हैं. नाउ सिंस दे मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, ना सेम डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, ये लिखा हुआ है सेम डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा बताओ. रिलेटिव स्पीड क्या होगा, 5x - 4x यानी कि x. ठीक है, तो मुझे बताओ कि अगर ये डिस्टेंस है दोनों के बीच में, तो व्हाट इज द टाइम टेकन बाय बोथ ऑफ देम टू मीट, कितनी देर में दोनों मिलेंगे. सो कितनी देर में दोनों मिलेंगे, हम लोग जानते हैं कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड. डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, तो डिस्टेंस टू बी रिड्यूस कितना है गाइस बताओ, 12 किलोमीटर. रिलेटिव स्पीड कितनी, x. तो इतनी देर में दोनों मिलेंगे, ये पक्की बात है. इतनी देर में 12/x सेकंड्स या मिनट्स या कुछ लिखा नहीं है ऐसे, तो इतने टाइम में जो दोनों मिलेंगे. ठीक है, ना अगर 12/x टाइम में दोनों मिलेंगे, 12/x आवर्स ही ले लेते हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता. सो 12/x आवर्स में दोनों मिलेंगे, तो मेरे को पूछ रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस दैट करण मस्ट कवर टू कैच अप विद अर्जुन. तो करण ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा, तो उसकी स्पीड आपको पता है, तो डिस्टेंस आपको पता ही है ना, इस डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम. तो स्पीड आपको पता है करण की कितनी है, 5x, और टाइम कितना है, 12/x, राइट. सो दिस 12/5 कितना हो जाएगा, 60 किलोमीटर कवर किए होंगे करण ने टू कैच अप विद अर्जुन. आई होप इट इज क्लियर गाइस. सशांत हाउ कम 15, how come 15, what is the distance that Karan must cover, Karan ko kitna distance travel karna padega to catch up with Arjun, is this clear Prashant? Others also can give me the answer guys, jaldi se quickly, is this fine, is the question clear? सिंपल क्वेश्चन है, देखने में थोड़ा सा लगता है कि ये नहीं हो पाएगा क्योंकि स्पीड्स की रेशियो दी हुई है, स्पीड्स नहीं दी हुई है, बट अल्टीमेटली वो जो आपने कॉमन फैक्टर लिया वो इट गॉट कैंसल, ना कैंसल हो गया. ठीक है, तो कुछ उसमें दिक्कत नहीं हुई. ठीक है, ये बात क्लियर हो रही है, क्वेश्चन क्लियर हो रहा था, जल्दी से मुझे एक थम्स अप थम्स डाउन कुछ दे दो, सो दैट आई अंडरस्टैंड कि आपको बात समझ में आ गई है. ठीक है, ओके ग्रेट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ना ये क्वेश्चन पढ़ो, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ो समझो एंड ट्राई इट एंड देन लेट मी नो. बोल रहा है, अ ट्रेन ट्रैवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अ साइक्लिस्ट हु इज साइक्लिंग एट 12 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, ट्रेन की स्पीड कितनी है 60, साइक्लिस्ट की स्पीड कितनी है 12 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, ओके, एंड इन द अपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, इन 20 सेकेंड्स तो ट्रेन कवर कर रही है साइक्लिस्ट को, और साइक्लिस्ट किस स्पीड से चल रहा है 12 किलोमीटर पर आवर से, और वो 20 सेकंड में क्रॉस करता है ट्रेन साइक्लिस्ट को. बट द फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस अनदर साइक्लिस्ट ट्रैवलिंग एट 20 किलोमीटर पर आवर नाउ इन द सेम डायरेक्शन एज द ट्रेन डस. जिस डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है उसी डायरेक्शन में आपका साइक्लिस्ट भी अगर ट्रैवल कर रहा है, तो तब टाइम कितना लगेगा, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज. ठीक है, तो वुड यू आर यू ट्राइंग, तो आई कैन गिव यू मे बी 10 सेकंड्स, नॉट 10 सेकंड्स बट लेट्स टेक 30 seconds to solve this question. ठीक है, it's not very difficult. ठीक है, जल्दी से हो सकता है. If you understood the concept, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं लगेगी. थोड़ा question में अभी भी थोड़ा दिक्कत है, तो हम लोग clear कर लेते हैं. ठीक है, हम लोग discuss तो करेंगे ही वैसे भी, है ना? Just guys, जल्दी से pouring the answers in the chat box. जल्दी से अपने answers लिखना शुरू कर दो. Quickly. तो ठीक है, एक मिनट ले लो. ठीक है, क्योंकि यार आपको शायद लगे कि ये किलोमीटर पर आवर है, ये सेकेंड्स में है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कर दो, कोई दिक्कत नहीं है.
गाइस आंसर्स क्विकली राइट 10 रामेश्वर कह रहे हैं 10 ओके लेट मी चेक सो अब स्टार्ट करते हैं ठीक है तो ऑल ऑफ यू जस्ट लिसनिंग टू इट अगर आपका क्वेश्चन का आंसर नहीं है सब देखो सबसे पहले ट्रेन ट्रैवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अ साइक्लिस्ट हु इज साइक्लिंग एट 12 किलोमीटर पर आवर तो भाई सोचो ना ट्रेन साइक्लिस्ट को क्रॉस कर रही है ये रही ट्रेन ये साइक्लिस्ट को क्रॉस कर रही है ठीक है तो आप सोचने वाली बात यहाँ पे ये है कि जब ट्रेन साइक्लिस्ट को क्रॉस कर रही है तो साइक्लिस्ट की जो लेंथ है वो ट्रेन के मुकाबले तो बहुत छोटी है ना तो बेसिकली हम लोग ये कह सकते हैं ना कि साइक्लिस्ट ने ट्रेन को ट्रेन ने साइक्लिस्ट को क्रॉस किया तो इट्स बेसिकली क्रॉस इट्स ओन लेंथ ना खुद की लेंथ ही तो क्रॉस करी है खुद की लेंथ जब भी ट्रेन किसी एक यू नो इनसिग्निफिकेंट लेंथ वाली बॉडी को क्रॉस करती है जैसे कि ट्रेन क्रॉसेस एन इलेक्ट्रिक पोल या ट्रेन क्रॉसेस यू नो मे बी अ ट्री ट्रेन क्रॉसेस अ कार ट्रेन क्रॉसेस अ साइक्लिस्ट ठीक है तो बेसिकली ट्रेन जो है खुद की लेंथ ही क्रॉस करती है ठीक है तो ट्रेन की स्पीड कितनी है ट्रेन की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर ठीक है उसको क्योंकि 20 सेकंड्स है ना तो यू नो क्या कर देंगे 5/18 कर देंगे ना मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए सो दिस इज हाउ मच सो दिस इज 36 and 320 तो 20 × 5 या 20 कर देते हैं और ना ओके तो 20 × 5 100/6 यानी कि 50/3 meters per second ये बात सही है ना साइक्लिस्ट नॉट ट्रेन की स्पीड इज 50 meters per second है ना सो ट्रेन इज क्रॉसिंग इट्स ओन लेंथ यानी कि 50 meters per second इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन meters per second वहीं पे साइक्लिस्ट की स्पीड कितनी होगी 12 किलोमीटर पर आवर है इंटू 5/18 करते हैं ना तो 5/18 कितना होता है तो कर देते हैं यार यहाँ पे तो 6/3 and 6/2 यानी कि 10/3 meters per second दिस इज द साइक्लिस्ट की स्पीड ठीक है नाउ जब आपको मालूम है कि ट्रेन ने साइक्लिस्ट को क्रॉस किया ट्रेन ने साइक्लिस्ट को क्रॉस किया तो बेसिकली खुद की लेंथ ही क्रॉस करी ना तो टाइम हम लोग जानते हैं इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड होता है मतलब कितनी देर में ट्रेन ने साइक्लिस्ट क्रॉस किया वो हमें दिया हुआ है टाइम दिया हुआ है ना 20 सेकंड्स सो 20 सेकंड्स में खुद की लेंथ ले लेते हैं एल ट्रेन की लेंथ ले लेते हैं जो डिस्टेंस क्रॉस किया बेसिकली खुद की लेंथ ही क्रॉस करी ना और रिलेटिव स्पीड कितनी होगी मतलब साइक्लिस्ट वाज ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन तो अपोजिट डायरेक्शन यानी कि इन दोनों स्पीड का क्या हुआ सम यानी कि 50/3 + 10/3 जो 60/3 व्हिच इज 20 ना तो एल कितना हो गया गाइस 400 मीटर्स तो लेंथ ऑफ द ट्रेन इज हाउ मच 400 मीटर्स ये बात सही है तो ट्रेन जो है उसकी जो लेंथ है वो कितनी आ गई 400 मीटर आ गई अब तो क्वेश्चन जो है गेम ओवर हो चुका है आपके क्वेश्चन का ठीक है तो अभी वो मालूम है फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस अनदर साइक्लिस्ट ट्रैवलिंग एट 20 किलोमीटर पर आवर सो 20 किलोमीटर पर आवर को भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं तो 5/18 ले लेते हैं सो 2/10 and 2/9 व्हिच इज हाउ मच 50/9 मीटर्स पर सेकंड है ना तो 50/9 मीटर्स पर सेकंड इज द स्पीड ऑफ द सेकंड साइक्लिस्ट जो दूसरा साइक्लिस्ट है उसकी स्पीड कितनी है 50/9 मीटर्स पर सेकंड अब हुआ ये कि ट्रेन ने सेकंड साइक्लिस्ट को क्रॉस किया जो सेम डायरेक्शन में क्रॉस कर रहा सेम डायरेक्शन मूव कर रहा तो ट्रेन ने फिर से खुद की लेंथ ही क्रॉस करी होगी तो खुद की लेंथ कितनी मिली मिल चुकी है हमको 400 मीटर्स और कितने टाइम में क्रॉस किया वो हमें निकालना है तो दोनों की स्पीड का क्या हो जाएगा डिफरेंस ना ट्रेन की स्पीड क्योंकि दोनों दे बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन तो क्या हो जाएगा 50/3 - 50/9 है ना तो दिस इज हाउ मच 150/9 माइनस ये टाइम निकालना है जल्दी से निकाल दो गाइस सो 400 अपॉन 150 माइनस दिस इज 100/9 राइट तो ये तो कितना हो जाएगा 36 सेकंड्स ना भाई गाइस ये बात समझ में आई यस और नो डू यू वांट मी टू रिपीट अगेन रिपीट इट बट लेट मी नो इफ इट इज अंडरस्टूड ना ऐसे मत मुझे आगे बढ़ने देना ठीक है हाँ ना मे भी कुछ बताना तभी जाके हम बात कर पाएंगे ठीक है मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ दोस्त ऑफ यू माइट हैव जॉइंड इन द मिडिल या फिर बात कहीं पे उनका डिस्ट्रैक्ट हो गए थे ठीक है तो सबसे पहले तो यार ये मीटर्स पर सेकेंड में क्रॉस करना पड़ेगा कन्वर्ट करना पड़ेगा है ना किलोमीटर्स पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या मल्टीप्लीकेशन फैक्टर लेते हैं 5/18 ना तो 60 किलोमीटर पर आवर को भी 5/18 से मल्टीप्लाई किया
तो कितना आ गया 50/3। अपना 12 किलोमीटर पर आवर को भी 5/18 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 10/3 मीटर्स पर सेकेंड हो गया। ये तो स्पीड की वो आ गई मीटर्स पर सेकेंड में। हमें ये तो मालूम है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, इसके ऊपर हम लोग बात करते रह रहे हैं। फिर हम लोग कह रहे हैं कि जो ट्रेन जो है क्रॉस करेगी साइक्लिस्ट को, तो बेसिकली खुद की लेंथ ही क्रॉस करेगी, तो खुद की लेंथ हम लोगों ने एल ले ली उसकी, और टाइम कितना लग गया 20 सेकंड हमको दिया हुआ है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा सम ऑफ द टू स्पीड्स बिकॉज दे बोथ आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो एल यहां से कितना आ गया 400 मीटर, तो एल जो है 400 मीटर आ गया। तो 400 मीटर जो है लेंथ क्रॉस करनी है दूसरे साइक्लिस्ट को भी, जब दूसरे साइक्लिस्ट को भी ट्रेन ने क्रॉस किया होगा तो खुद की लेंथ ही क्रॉस करी फिर से, तो टोटल लेंथ कितनी 400 मीटर। और जो दूसरा साइक्लिस्ट है वो सेम डायरेक्शन मूव कर रहा है जिस डायरेक्शन में आपकी ट्रेन जा रही है, सेम डायरेक्शन एज द ट्रेन डस, तो जिस डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है उसी डायरेक्शन में आपका साइक्लिस्ट भी मूव कर रहा था। तो क्या हो गया, तो दूसरा साइक्लिस्ट की स्पीड कितनी है 20 × 5/18 विच इज 50/9 मीटर्स पर सेकंड। तो टाइम कितना लग गया होगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, इस बारे में हम लोग बात करते रह रहे हैं तब से ना। सो डिस्टेंस अपॉन, डिस्टेंस कितना 400 अपॉन रिलेटिव स्पीड यानी कि डिफरेंस बिटवीन द टू स्पीड्स, सो कितना हो गया इतना, तो दिस हाउ मच 36 सेकंड्स इज योर फाइनल आंसर। आई होप इट इज क्लियर गाइस, ठीक है, एवरीबॉडी नीड्स टू टेल मी इट इज क्लियर और नॉट, तभी जाके मुझे भी मजा आएगा कि हाँ मैंने कुछ अच्छा पढ़ाया, ठीक है, या मैंने अच्छे से समझा दिया आपको, ठीक है, मुझे वो सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर वो ठीक है तो हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, ठीक है, दिस इज फ्रॉम योर एग्जाम ओनली, ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। अ ट्रेन अप्रोचेस अ टनल ए बी, इनसाइड द टनल इज अ कैट लोकेटेड एट अ पॉइंट दैट इज 3/8 ऑफ द डिस्टेंस ए बी मेजर्ड फ्रॉम द एंट्रेंस ए, ठीक है, सो एंट्रेंस ए है कुछ भी, ठीक है, या ऐसे ले लेते हैं, है ना, ये आपकी टनल है, ठीक है, टनल ए बी, ये कैट 2002 का सवाल है, यू कैन अटेम्प्ट इट एंड लेट मी नो, ठीक है, जल्दी से बताओ आपको, आई कैन गिव यू सम टाइम, बट चलो एक मिनट दे देता हूं आपको, ठीक है, सॉल्व इट एंड लेट मी नो। A train approaches a tunnel AB. Inside the tunnel, there is a cat located at a point that is 3/8 of the distance AB measured from the entrance A. So entrance ये रहा entrance है ना, ये रहा exit. तो 3/8 of the distance है ना, तो मान लीजिए जो भी distance है तो मैं एक काम करता हूँ ना, 3/8 लिखा ना, तो अपना काम integer में समझने के लिए ना एक ऐसे ले लेते हैं कि let's say AB is 8 है ना, 8 यूनिट्स, मैं ये नहीं कह रहा हूँ किलोमीटर मीटर मुझे नहीं पता, 8 यूनिट्स ले लिया, ठीक है, ए बी इज 8, ठीक है, तो पूरा ए बी 8 है, तो कैट कहाँ पे लोकेटेड है गाइस, कैट कैट लोकेटेड है 3/8 ऑफ 8, तो 3/8 ऑफ 8 लोकेशन ऑफ कैट, कैट इज लोकेटेड 3/8 ऑफ 8, राइट, तो 8/8 कैंसिल हो गया, यानी कि 3 यूनिट्स है ना, 3 यूनिट्स के डिस्टेंस पे है, तो कहाँ से है वो 3 यूनिट्स, ए से या बी से, बोलते हैं फ्रॉम एंट्रेंस ए ना, तो ए से मान लीजिए कैट की पोजीशन यहां पे है, ये है 3 यूनिट्स, तो ऑफकोर्स ये पूरा कितना हो गया, ये कैट है तो ये रिमेनिंग कितना हो गया 5 यूनिट्स, क्योंकि पूरा कितना है 8 यूनिट्स, तो दिस इज द करंट पोजीशन ऑफ कैट। मैं बस क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप सॉल्व करना शुरू कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है व्हेन द ट्रेन व्हिसल्स द कैट रन्स, जैसे ही ट्रेन की सीटी बजेगी कैट भागना शुरू कर देगी, किधर भागेगी ये अब बता रहा आगे, वो कह रहा है इफ द कैट मूव्स टू द एंट्रेंस ऑफ द टनल ए, कैट जो है टनल के एंट्रेंस की तरफ जाती है, इफ इट मूव्स टुवर्ड्स द एंट्रेंस ऑफ द टनल ए, तो बोलता है द ट्रेन कैचेस द कैट एग्जैक्टली एट द एंट्रेंस। अभी मुझे पता नहीं ट्रेन कहां पे, ठीक है, तो ऐसे इमेजिन कर लेते हैं कि ट्रेन इज हियर फॉर एग्जांपल, ठीक है, सो दिस इज द ट्रेन, तो ट्रेन और एंट्रेंस ए में जो है कुछ डिस्टेंस होगा, उसको कुछ के बोल देते हैं ना, ट्रेन और एंट्रेंस ए में कुछ गैप होगा ना, के ट्रेन एग्जैक्टली एंट्रेंस पे नहीं खड़ी है ना ट्रेन, है ना, तीर्थ ज्योति इज 4:1 इज एब्सोल्युटली राइट आंसर, बिल्कुल सही है, बाकी भी आंसर बताते जाओगे इस, ठीक है, अगर आता जा रहा है, तो ट्रेन जो है एंट्रेंस से थोड़ा दूर है, जैसे ही ट्रेन ने विसल दबाई तो कैट भागना शुरू किया, कैट ने अगर भागना शुरू किया तो बोलते हैं इफ द कैट मूव्स टुवर्ड्स द टनल ए, टनल एंट्रेंस ऑफ द टनल ए ना, अगर एंट्रेंस की तरफ भागेगी ना कैट, तो बोलता है उसको 3 यूनिट्स कवर करना पड़ेगा, तो ट्रेन कैचेस द कैट एग्जैक्टली एट द एंट्रेंस, तो ट्रेन भी उधर ही ए पे पहुंची होगी, जब कैट ए पे पहुंची होगी
उसी टाइम पे द टाइम टेकन बाय द ट्रेन भी मतलब वो भी उसी टाइम पे एंट्रेंस ए पे होगा. दैट इज व्हाट द सिचुएशन नंबर वन इज. ठीक है, तो यहाँ पे द टाइम टेकन स्टेटमेंट क्या है, द टाइम टेकन बाय द कैट टू मूव टू ए इज सेम एज द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू मूव टूवर्ड्स ए. तो ना ट्रेन को भी इतना टाइम लगा, उसको भी इतना टाइम लगा. तो गाइस आपको पता है ना, अगर टाइम सेम होता है, इफ टाइम सेम होता है तो रेशियो ऑफ द स्पीड इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस. राइट, ये हमने बात किया हुआ है फर्स्ट क्लास में. हम टाइम स्पीड डिस्टेंस फर्स्ट क्लास होती है, उसमें हम लोग रेशियोज के बारे में ज्यादा बात कर रहे थे ना. तो रेशियो ऑफ द स्पीड इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस. तो गाइस बताइए डिस्टेंस कितना कितना ट्रेवल किया, के ने ट्रेन ने कितना किया, के किया, और कैट ने कितना किया, थ्री किया. तो के बाई थ्री इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस, और रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ही रेशियो ऑफ द स्पीड होता है. तो ये इस बात को के बाई थ्री को आप रेशियो ऑफ थ्री रेशियो ऑफ स्पीड भी बोल सकते हैं. ठीक है, ना बोलता है दूसरा पार्ट क्या बोलता है, इफ द कैट मूव्स टू द एग्जिट बी. अगर कैट जो है सीटी बजने से, ट्रेन की सीटी बजने से एग्जिट की तरफ जाना शुरू किया, बी की तरफ जाना शुरू किया, तो कैट को कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, फाइव. बोलता है द ट्रेन कैचेस द कैट एग्जैक्टली एट द एग्जिट. तो जितनी देर में कैट फाइव चलता है उतनी देर में ट्रेन जो है यहां से यहां तक पहुंच जाएगा, है ना. तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होता है, ये होता है के बेटा थ्री प्लस फाइव, यानी कि कैट ने जब फाइव किया तो ट्रेन ने कितना किया, के प्लस एट किया ना, और उसी टाइम पे कैट ने कितना किया, फाइव किया. तो यानी कि टाइम सेम लगा, तो ये डिस्टेंसेस है के बाय के प्लस एट बाय फाइव, ये तो डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड है, और जो डिस्टेंसेस ट्रेवल होते हैं वही स्पीड की रेशियो होती है ना गाइस. तो डिस्टेंस की रेशियो है स्पीड की रेशियो, तो स्पीड तो चेंज होनी रही, हम लोग इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं. ठीक है, सो व्हाट विल हैव, सो 5k इज इक्वल टू 3k प्लस 24, और 2k इज इक्वल टू 24, और k इज इक्वल टू 12. तो k 12 आ गया, विल पुट k इज इक्वल टू 12 हियर. 12 बाय 3 इज हाउ मच, 4 इज टू 1 इज द रेशियो ऑफ द स्पीड्स ऑफ द कैट एंड द ट्रेन गाइस. शशांक इज आल्सो राइट, एब्सोल्युटली राइट, दैट इज 4 इज टू 1. आई होप इट इज क्लियर गाइस, सबको क्लियर है तो मैं आगे बढ़ जाता हूं. ठीक है, इज इट क्लियर गाइस, है ना, आगे बढ़ते हैं. ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से मुझे बता दो क्लियर नॉट क्लियर, फिर मैं आगे बढ़ जाऊं, है ना. ये देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, a man leaves point P at 6 a.m. and reaches point Q at 10 a.m. Another man leaves point Q at 8 a.m. and reaches point P at 12 noon. At what time do they meet if they travel at a constant speed? मतलब स्पीड चेंज नहीं होने वाली दोनों की. तो बोलता है कि अगर कांस्टेंट स्पीड से चलेंगे तो कितने टाइम पे दोनों मिलेंगे. ठीक है, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज. अ मैन लीव्स अ पॉइंट पॉइंट पी एट 6 एएम एंड रीचेस पॉइंट क्यू एट 10 एएम. ठीक है, क्या ना, तो कोई भी पॉइंट पी एन क्यू कुछ भी ले लेते हैं. तो फर्स्ट मैन, तो मैन वन, मैन वन कितने बजे निकलता है, 6 एएम, और कितने बजे पहुंचता है यहां पे, 10 एएम. तो टाइम कितना लग गया, ऑफकोर्स 4 आवर्स लग गए होंगे. ठीक है, फिर बोलता है क्वेश्चन ये कहता है, अनदर मैन, लेट्स से मैन टू, स्टार्ट्स फ्रॉम लीज पॉइंट क्यू एट 8 एएम, एट 8 एएम and reaches point P at 12 noon. तो 12 noon पे यहाँ पे पहुंच जाता है. ठीक है, तो of course यहाँ पे भी कितना time लगता होगा, 4 hours लगता है. ठीक है, now तो of course यार distance दोनों same ही travel कर रहे हैं तो speed भी same ही होगी ना. तो इसको भी 4 घंटे लगे, इसको भी 4 घंटे लगे. ठीक है, now हुआ ये कि at what time do they meet, कितने घड़ी में क्या बज रहा होगा जब दोनों मिले. ठीक है, that is what the question is. तो guys आपने देखा इसने 6 बजे start किया, मैन वन स्टार्टेड एट 6 एएम और मैन टू स्टार्टेड एट 8 एएम, राइट, ये बात है. मैन वन स्टार्टेड एट, राज गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, ऋतिक अग्रवाल गुड मॉर्निंग, है ना. सो मैन वन ने स्टार्ट किया 6 एएम और मैन टू ने स्टार्ट किया 8 एएम. ठीक है, तो अब ये देखिए कि 8 एएम इसने 8 एएम स्टार्ट किया, इसने 6 एएम स्टार्ट किया, दोनों ने तो साइमल्टेनियसली स्टार्ट नहीं किया है. तो अगर साइमल्टेनियसली स्टार्ट नहीं किया है इसका मतलब क्या है गाइस, साइमल्टेनियसली स्टार्ट नहीं किया है इसका मतलब क्या है कि हम लोग रिलेटिव स्पीड डायरेक्टली नहीं निकाल सकते,
आपको मैंने हाईलाइट में लिखा था कि रिलेटिव स्पीड अगर लगाना है तो ऑब्जेक्ट को साइमल्टेनियसली मूव कराना पड़ेगा, ठीक है, दैट इज व्हाट वी नो। तो यार इसको भी 4 घंटे लग रहे हैं, इसको भी 4 घंटे लग रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, टोटल डिस्टेंस को ना कुछ भी ऐसा मान लेते हैं जो 4 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको मैं ऐसा मान लेता हूँ, लेट्स से द टोटल डिस्टेंस इज 4 किलोमीटर, ठीक है। तो 4 किलोमीटर जो है पी एन क्यू का डिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो बताइए मैन वन की स्पीड कितनी हुई, जो मैन वन है वो 4 किलोमीटर चलता है 4 घंटे में, तो मैन वन की स्पीड कितनी हुई 1 किलोमीटर पर आवर ना। और मैन टू की स्पीड भी कितनी होगी, ये भी 4 घंटे में चलता है 4 किलोमीटर, तो मैन टू की स्पीड भी कितनी होगी 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, 1 किलोमीटर पर आवर। तो अब ये देखिए कि जब मैन टू ने स्टार्ट किया तब तक मैन वन 2 घंटे तक चल चुका था, तो उसी 2 घंटे के दौरान मैन वन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, मैन वन चलता है 1 घंटे में 1 किलोमीटर क्योंकि उसकी स्पीड है 1 किलोमीटर पर आवर, तो वो 2 घंटे में कितना चलेगा 2 किलोमीटर चल जाएगा। सो दिस इज 2 किलोमीटर, ठीक है, दिस इज द पोजिशन ऑफ मैन वन राइट नाउ, दिस इज मैन वन, एंड राइट नाउ 8 बज रहा है, तो 2 घंटे में तो 8 बज रहा होगा ना, 6 बजे का 2 घंटे, यानी कि मैन वन इस जगह पे आ चुका है और मैन टू स्टार्ट करने वाला है @8 AM, राइट। तो दोनों में अभी दोनों में गैप कितना हो गया, दोनों में गैप कितना है, मैन वन मैन टू में अभी कितना गैप है 2 किलोमीटर का, राइट, दिस इज 2 किलोमीटर, सो 2 किलोमीटर का गैप है। तो बोलते हैं कि अब अगर 2 किलोमीटर का गैप है तो कितनी देर में दोनों मिलेंगे गाइस, एट व्हाट टाइम डू द टू गाइस मीट, क्योंकि आप रिलेटिव स्पीड लगा सकते हैं। सो 2 किलोमीटर के टाइम खत्म करने के लिए कितना टाइम लगेगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस जो है आपका 2 किलोमीटर, और रिलेटिव स्पीड कितनी है गाइस 1 + 1, राइट, है ना, 1 + 1 यानी कि 2, तो 2 किलोमीटर डिवाइड बाय 2 किलोमीटर पर आवर, सो 2/2 यानी कि 1 आवर लगेगा आफ्टर 8 AM, 8 बजे के बाद 1 घंटे के बाद दोनों मिलेंगे, यानी कि घड़ी में समय हो रहा होगा 9 AM। एब्सोल्युटली राइट राज, राज इज राइट, ऋतिक इज आल्सो राइट, 9 AM, यस, है ना। सो 9 AM, आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर अबाउट दिस क्वेश्चन, बिकॉज ये क्वेश्चन हाईलाइट करना यहाँ पे इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पे इट इज टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर फैक्ट, जहां पे ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन बट दे हैव नॉट स्टार्टेड एट द सेम टाइम, साइमल्टेनियसली स्टार्ट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो क्वेश्चन आई थिंक क्लियर हो गया, अगले की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, बताओ आंसर क्या होगा, यहाँ पे ए कैन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस इन 30 मिनट्स एंड बी कवर द सेम डिस्टेंस इन 70 मिनट्स, इन हाउ मच टाइम कैन सी कवर द सेम डिस्टेंस इफ हिज स्पीड इज सम ऑफ द स्पीड्स ऑफ ए एंड बी। इट्स प्रीटी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व कर दो। Certain distance, right? In 30 minutes, B can cover the same distance in 70 minutes. ठीक है? Certain distance 30 and 70, and how much time can C cover the same distance if the speeds is the sum of the speeds of जो भी है ना A and B. ठीक है? तो अभी यार सब कुछ minutes में, तो minutes में रहने देते हैं, किलोमीटर पर मिनट जो भी है, ठीक है? तो ऐसा कर देते हैं, 1 hour 40 minutes कह रहे हैं ऋतिक, है ना? So this is 70 and 30, तो काम करते हैं 70 and 30 का LCM ले लेते हैं, easy हो जाएगा ना, LCM of 30 and 70, तो which is how much guys, 210 ठीक रहेगा, तो मैं ऐसे कर देता हूँ, 210 meters is the पूरा distance, तो certain distance कितना है 210 meters, ठीक है, तो speed of A, A की speed कितनी हो गई 210 by 30 ना, यानी कि कितना हो गया 7 meters per second, per minute, और B की स्पीड कितनी होगी 210 बाय 70 यानी कि 3 मीटर पर मिनट, ये स्पीड हो गई B की। नाउ C की स्पीड क्या है, C की स्पीड है इन दोनों की स्पीड का सम ना, व्हिच इज 10 मीटर पर मिनट, बिकॉज़ C की स्पीड उसने लिखा है दैट इज द सम ऑफ द स्पीड्स ऑफ A एंड B, तो व्हिच इज 10 मीटर पर मिनट।
Now, at what time, what is the, in how much time that can C cover the same distance? What is the distance to be covered? 210 meters. Na? So, 210 meters cover karna hai at the rate of 10 meters per minute. Hai na? Which is how much, guys? 21 minutes. Yes or no? 21 minutes. Ritik, check karo ek bar. Is it clear? मीटर्स मीटर्स वो इसको मिनट्स में सेकंड में कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत है ना, आगे कुछ लिखा थोड़ी, एक चीज ने हमको डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, तो डिस्टेंस हम लोग मीटर्स में ले लेते हैं और स्पीड ले लेते हैं मीटर्स पर मिनट. हाउ डज इट मैटर? यस और नो? वेरी डिफिकल्ट. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. ओके आगे बढ़ो. An artillery gun is fired twice at an interval of 24 seconds. Okay, a motorist moving towards the gun heard the sound of the gunfire at an interval of 22 seconds. The speed of the sound is 330 meters per second. What is the speed of the car? Yeah. So 330 meters per second is the speed of the sound. So aap sound ko na wo bhi le sakte ho, kya kehte hain? How do you say? Ek object ki tarah maan lijiye na, ek aisa body hai jo jiski speed hai 330 meters per second. मतलब जरूरी नहीं कि वो साउंड की, अगर आपको वो कंफ्यूज कर रहा है तो, बट साउंड भी ले सकते हो, डजंट मेक एनी डिफरेंस. सो लेट मी ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूं मैं. एन आर्टिलरी गन इज फायर्ड ट्वाइस एट एन इंटरवल ऑफ 24 सेकंड्स. तो 24 सेकंड में जो है गन फायर हुआ. तो बेसिकली अगर मान लीजिए आप यहाँ पे, दिस इज योर पोजिशन, ठीक है, और गन फायर यहाँ से हो रहा है, गन फायर यहाँ से हो रहा है, तो गन फायर की साउंड आप तक पहुंचेगी कितनी देर में? कितनी देर में पहुंचेगी? 24 सेकंड में, क्योंकि आप नहीं मूव कर रहे हो ना, आप तक जो है गन फायर की साउंड आएगी 24 सेकंड में. ठीक है, यहां तक क्लियर है ना? अ मोटरिस्ट, आप मान लीजिए आप ही वो मोटरिस्ट हो, मूविंग टुवर्ड्स द गन. तो अगर आप जो है गन की तरफ जाना शुरू कर दोगे गाइस, गन फायर या गर्लफ्रेंड या जो भी है बेसिकली, यहां पे अगर आप दोनों एक दूसरे की तरफ आना शुरू करोगे तब तो जल्दी मिल जाएंगे ना गाइस, द टू गाइस वुड मीट जल्दी ना. तो इसलिए वो 22 सेकंड्स में यहां पे मिल गए. तो इन 22 सेकंड्स दीज गाइस मेट. ठीक है, सो बेसिकली यहां पे 24 सेकंड्स में यहां से यहां तक उसको टाइम लगता है. तो गाइस ये डिस्टेंस ना, दिस डिस्टेंस जो है इसको मैं डिस्टेंस डी बोल देंगे तो भी चलेगा. ठीक है, तो डिस्टेंस डी है 24 सेकंड्स में कवर हो जाता है. राइट, कौन कवर करता है? साउंड कवर करता है ना. साउंड की स्पीड कितनी है? 330 मीटर पर सेकंड. तो ऐसे कह सकते हैं ना कि 330 times 24 is 330 times 24 is what? Is the distance, है ना, speed into time. Now उसी time पे think about it कि अगर motorist भी sound की तरफ जाना शुरू कर दे, यानी कि gun fire की जो sound का जो origin है वहां की तरफ जाना शुरू कर दे, तो वो जल्दी मिल जाएंगे. तो कितनी जल्दी मिलेंगे? मान लीजिए इधर मिल जाएंगे तो जल्दी मिल गए, तो 22 सेकंड में मिल गए. और मान लीजिए इस जगह पे मिले, तो आपके जो motorist है, और क्योंकि आप ही मोटरिस्ट हो, तो आपने यहां से यहां तक का डिस्टेंस और गन फायर की साउंड ने यहां से यहां तक का डिस्टेंस 22 सेकंड में कवर किया. मतलब आपको भी ये डिस्टेंस कवर करने में और यहां से यहां तक डिस्टेंस का कवर करने में दोनों को कितना टाइम लगा? 22 सेकंड लगा ना इंडिविजुअली. तो लेकिन मान लीजिए आपने एक्स डिस्टेंस कवर किया, गन फायर ने का साउंड ने वाई डिस्टेंस कवर किया, लेकिन एक्स प्लस वाई क्या होता है? डी होता है ना गाइस. एक्स प्लस वाई इज द टोटल डिस्टेंस. तो गाइस दोनों, दे दीज टू ऑब्जेक्ट्स, मोटरिस्ट और साउंड, दोनों कितनी देर में मिले हमको पता है ना. टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, ये हमें पता है. जब दोनों मिलते हैं तो डिस्टेंस जो डिस्टेंस रिड्यूस करना है वो क्या है? द टोटल डिस्टेंस. और मिलते कितनी देर में? टी में ना, टी टाइम में. और रिलेटिव स्पीड क्या होगा? सम ऑफ द टू स्पीड्स, बिकॉज ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, तो कितनी देर में मिले? 22 सेकंड में मिले. डिस्टेंस तो डी ही खत्म करना था, और रिलेटिव स्पीड कितनी है? 330 मान लीजिए आपकी साउंड की है, और एक्स मान लीजिए आपकी स्पीड है. तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं ना, 330 प्लस एक्स टाइम्स 22 इज द डिस्टेंस. तो दिस इज ऑल्सो द डिस्टेंस, एंड 330 प्लस एक्स टाइम्स 22 दिस इज ऑल्सो द डिस्टेंस ना. और दोनों डिस्टेंस सेम ही बात कर रहे हैं, तो वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ एक्स गाइस. कैन वी गेट द वैल्यू ऑफ एक्स और नॉट? So this is 11:02, 11:30, है ना? Okay, so 2:15 या 2:12.
So this is how much? 360, which is equal to 330 plus x. So x kitna ho gaya guys? 30 meters per second is the speed of the car. What is the speed of the car? Motorist jo hai, uski speed kitni hai? 30 meters per second. Is the question clear or not, guys? Ye baat chamki ki nahi chamki? Should I explain this again? Do let me know. है ना, क्योंकि देखो ना अल्टीमेटली क्या होता है, एक बार इक्वेशन सेट हो जाती है ना, मेन तो काम क्या होता है, जब भी मैथ्स में मेन काम होता है इक्वेशन सेट करना। अगर एक बार इक्वेशन सेट कर लिया, आगे तो सारा जो दारोमदार कैलकुलेशंस पे है, ठीक है, कैलकुलेशन से आंसर आ जाता है। ये इक्वेशन सेट हुई कि नहीं हुई गाइस? अगर ये इक्वेशन आपको समझ में आ गया, इक्वेशन जो है यहाँ पे, इसको मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ क्योंकि दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट, ठीक है। तो ये समझ में आ गया तो बाकी एक्सप्रेशन आप बहुत इजिली बना सकते हैं, ठीक है। इज इट अंडरस्टूड गाइस? यस और नो? ग्रेट, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो हम लोग बढ़ते हैं आगे, और आई थिंक विल हैव टू मीट टुमारो एट द सेम टाइम। गाइस जल्दी से शुरू कर दो मिलना, क्योंकि अभी जो है टाइम कम रह गया, टाइम कम रह गया, जल्दी से प्लान आउट कर लो गाइस स्टडीज, कॉलेज के बारे में, प्रोफाइल के बारे में, कुछ भी हेल्प चाहिए डू रीच आउट टू मी। हाँ 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 रजनीश, यस ऑलमोस्ट सेम होता है, बट एसएससी में थोड़ा सा ना वो आता है ना आपका कंप्यूटर नॉलेज वगैरह, क्वांट का सिलेबस एग्जैक्टली सेम होता है। ठीक है, तो गाइस जल्दी से प्लान आउट शुरू कर दो, तो जो भी आपको कुछ कंफ्यूजन है तो डू लेट मी नो, आपको मेरा टेलीग्राम चैनल पता है। तो अनअकैडमी की जो वैल्यू ऑफरिंग है आपको अच्छे से बता देता हूँ एक बार, कि अनअकैडमी आपके लिए क्या क्या लिख के आ रहा है। दिस इज आइकॉनिक कैट जो है, दिस इज फॉर दोज स्टूडेंट्स जिनको ना पर्सनल मेंटर चाहिए गाइस। पर्सनल मेंटर यानी कि आपको एक टॉप बी स्कूल का जो ग्रेजुएट होगा, ही वुड बी गाइडिंग यू थ्रू आउट द प्रोसेस, ठीक है। ही विल बी ऑफ कोर्स बी अ टीचर, मोटिवेटर, मेंटर एंड गाइड, ठीक है। सो जिसमें आपकी सारी प्रिपरेशन कवर हो जाएंगी, मतलब कैट के साथ साथ टेस्ट एनालिसिस हो जाएगा, ओमेट्स हो जाएगा, तो जितने भी प्लस के बेनिफिट्स हैं जिनके बारे में आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, वो सारे जो है आइकॉनिक में सब्सक्रिप्शन में आपको वहां मिल जाएंगे। तो और आपको अनअकैडमी क्या ऑफर कर रहा है, ऐप पे गाइस टेस्ट सीरीज है गाइस, आप मल्टीपल, देयर आर लॉट ऑफ फ्री टेस्ट दैट आर अवेलेबल, उनका फायदा लीजिए। स्पेशल क्लासेस आर बीइंग लॉन्च्ड ऑन डेली बेसिस, उनका फायदा लीजिए। एंड देयर आर लॉट ऑफ यू नो वेरी स्पेसिफिक बैचेस दैट आर गोइंग टू बी लॉन्च्ड, ठीक है, अभी भी लॉन्च होते जा रहे हैं, जैसे कि वीकेंड बैच है, वीकडे बैच है, इवनिंग बैच है, मॉर्निंग बैच है, आफ्टरनून बैच है, लेट नाइट बैच है, ग्रुप डिस्कशन बैच है। सो एवरी बैच केटरिंग टू एवरी नीड ऑफ द स्टूडेंट इज देयर, ठीक है। सो दीज आर दी ऑफरिंग्स दैट यू नो अनअकैडमी इज प्रोवाइडिंग यू। प्लस सब्सक्रिप्शन और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में डिफरेंस आपको प्राइमरीली बता देता हूँ यहाँ पे, कि ऑफकोर्स यहाँ पे जो भी बेनिफिट्स हैं प्लस के, वो सारे आइकॉनिक में भी हैं। इंटरेक्शन है, PDFs हैं, क्लासेस के बाद आपको जो है सारे नोट्स वहाँ पे प्रोवाइड हो जाते हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस हैं, यहाँ पे वो सारे बेनिफिट्स भी हैं आइकॉनिक में। बट इसके अलावा प्लस और क्या है, यू गेटिंग ए पर्सनल कोच, जो मैंने आपको बताया ना टॉप बी स्कूल ग्रेजुएट इज गोइंग टू बी पर्सनली कोचिंग यू, ठीक है। वो आप, क्योंकि यार यहाँ पे सिर्फ टीचिंग तो ठीक है, टीचिंग इज अ पार्ट ऑफ इट, बट देर ऑल्सो गोइंग टू बी यू नो मेंटरिंग यू, कि आपने कौन सा कॉलेज का फॉर्म भरना है, कौन सा कॉलेज का फॉर्म नहीं भरना है, अरे जल्दी से इस कॉलेज का नोटिफिकेशन आ गया, जल्दी से ये फॉर्म भर दे, और तुझे ये भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए, तो लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें डिटेल जो है स्टूडेंट्स को मिलती रहती है, तो ये जरूरत पड़ती रहती है, तो यू विल बी हैविंग अ पर्सनल कोच अप देयर, ठीक है। टेस्ट एनालिसिस है, एक्सपर्ट गाइडलाइंस है, ओमेट प्रिपरेशन है, सो एवरीथिंग इज देयर। तो ये तो जो भी पीडीएफ के थे, जो भी प्लस में थे, वो सारे आपको आइकॉनिक में भी मिल रहे हैं, ठीक है। तो प्लान आपको पता ही गाइस, डाउनलोड करना है ऐप से, और सारे जो है आपको प्लस पिकअप करने के लिए कैट गोल लेना है और सब्सक्राइब करना है, ये सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। तो 12 मंथ्स एंड 24 मंथ्स आपको बता चुका हूँ कि कैट 2021 के लिए 12 मंथ्स का कोर्स पिकअप कीजिए, 24 मंथ्स का कोर्स फॉर कैट 2022 10% ऑफ के लिए ये कोड याद रख लीजिए, DJ10 आप कोड यूज कर लीजिए, ठीक है। नाउ यहाँ पे दिस इज बिफोर, ये बिफोर द डिस्काउंट प्राइस है, ये आफ्टर द डिस्काउंट प्राइस है, ठीक है। तो यू कैन सी 10% डिस्काउंट करने से कितना फायदा होता है, और गाइस एक साल और दो साल में ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है, ठीक है। और अगर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन उठाते हैं तो आपका वन ईयर प्रोग्राम के लिए आप ये भी
उठा सकते हैं कैट 2021 के लिए, 24 मंथ्स के लिए लीजिए अगर आप कैट 2022 टारगेट कर रहे हैं, इसके लिए भी आप कोड DJ10 यूज कर सकते हैं और आपको इसमें भी 10% ऑफ यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है गाइज, ये इस साल के हमारे स्टूडेंट्स हैं, दोज हैव स्कोर्ड ब्रिलियंटली, यू नो वी वांट टू सी एज मेनी फेसेस यू नो नेक्स्ट ईयर, जितने ज्यादा लोग यहाँ पे, आई वांट टू सी एवरीवन अप देयर ऑन दिस पर्टिकुलर लीडर बोर्ड। ठीक है, एंड दिस आर द लेटेस्ट बैचेस दैट विल बी लॉन्च्ड। सो 4 फरवरी कल एक बैच लॉन्च हो रहा है एक्सक्लूसिव, दिस अ वीकडे इवनिंग बैच, जैसे आपको बता रहा था ना कि स्पेसिफिक बैचेस हैं, स्पेसिफिक टाइमिंग्स हैं, तो वीकडे इवनिंग बैच लॉन्च हो रहा है। लेजेंड बैच फॉर कैट 2021, तो पीपल हुआ लाइक थोड़ा सा जिनको एडवांस्ड स्टडीज कर, जिनका बेसिक्स क्लियर है, जिनको थोड़ा एडवांस्ड क्वेश्चंस करने हैं, उनके लिए बैचेस लॉन्च हो रहे हैं 6 फरवरी को। 8 फरवरी को इट्स अ परसेंटाइलर बैच का, ठीक है, तो जिनका मान लीजिए 90% है, तो 90 से 99 कैसे बढ़ना है, ठीक है, या 95 मान लीजिए 85 तो 85 से 95 किससे कैसे लेके जाना है, या जो भी आपका टारगेट है। तो दिस इज अ स्पेसिफिक बैच, दिस इज नोन एज परसेंटाइलर बैच एंड इट्स गोइंग टू बी लॉन्च ऑन 8th of February। ठीक है, अनअकैडमी कॉम्बैट में आपको गाइस पार्ट लेना है, कुछ भी हो जाए अपने खुद को पार्ट लेना, अपने फ्रेंड्स को बताओ, एनरोल फॉर फ्री गाइस, इट्स अ फ्री टेस्ट है, कॉम्बैट में पार्ट लीजिए, 7 फरवरी को होने वाला है 12 से 1 बजे के बीच में, रजिस्टर कीजिए अभी जाके। ठीक है, और इसको अनलॉक करने के लिए यू कैन यूज द कोड DJ10, है ना, DJ10 आप कोड यूज कर सकते हैं इसको अनलॉक करने के लिए, अनअकैडमी कॉम्बैट जो होने वाला है। प्लस के बेनिफिट्स क्या क्या आपको बता चुका हूं मैं, लाइव क्लासेस है, इंटरेक्शन विद एजुकेटर है ही, लाइव पोल्स एंड लीडरबोर्ड्स, मतलब यू गेटिंग टू सी वेर आर यू स्टैंडिंग एज कम्पेयर टू द टॉपर, जो भी टॉपर है गाइस उसके कंपैरिजन में आप कहां स्टैंड कर रहे हो। ठीक है, टेस्ट सीरीज एनालिसिस मैप, मैं हमेशा कहता हूं गाइस आप किसी से बात कर लीजिए, 50% ऑफ प्रिपरेशन जो है आपकी दैट डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी टेस्ट्स आर यू गिविंग, तो 50% प्रिपरेशन के लिए आप टेस्ट सीरीज तो है ही वहां पे। और हर तीसरा सेशन इज गोइंग टू बी अ लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फीचर एंड यू गाइस आर स्टूडेंट्स, तो आपको मेरे से ज्यादा पता है कि डाउट क्लियरिंग की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। ऋतिक कह रहे हैं हाउ मच मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस शुड बी अटेम्प्टेड ऑन क्वांटिटीज इन क्वांट, आप कह रहे हो क्या मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस? अच्छा, मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस यार, मिनिमम मैक्सिमम ऐसे मत समझो, इसको ऐसे करो कि परसेंटाइल देखो, ठीक है, कि कितने ज्यादा जो लोग हैं आपके, क्योंकि अगर मैंने बोल दिया मैंने 10 क्वेश्चन करो, लेकिन उस साल अगर पेपर आसान आ गया तो ज्यादा क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन द पेपर यार। ठीक है, तो जितने, इसलिए मैं कह रहा था ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रिपरेशन का, क्योंकि हमको ना चीजें समझ में तो आ गई, लेकिन उसको जब तक हमने टेस्ट नहीं किया, ग्राउंड पे टेस्ट नहीं किया, और मुझे लगा कि मेरे को मैथ्स अच्छे से आता है बट, और मैं एक पर्टिकुलर स्कोर कर रहा हूँ, बट जो बाकी लोग अगर मेरे से बहुत ज्यादा स्कोर कर रहे हैं देन ट्रबल हो जाएगा। सो डोंट क्वांटिफाई इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस, क्वांटिफाई इन टर्म्स ऑफ परसेंटाइल के हिसाब से सोचो। इसलिए आपको ये लीडर बोर्ड पे लेना बहुत जरूरी है, आपको बताता रहेगा कि वेर आर यू स्टैंडिंग एज कम्पेयर टू द टॉपर। यस रजनीश, विल मीट एवरी मॉर्निंग एट 8 AM, रोज यहाँ पे मिलेंगे, तो विल बी कवरिंग द एंटायर सिलेबस गाइस क्वांट पे। ठीक है, तो गाइस ये हमारा अनअकैडमी कैट का ये है टेलीग्राम चैनल, इसको ज्वाइन करना ही करना है आपने, दिस इज माय ओन टेलीग्राम चैनल गाइस, इसको ज्वाइन कीजिए, अनअकैडमी जस्ट कैट दीपक सर, इसको ज्वाइन कीजिए फॉर यू नो कैट के क्लास के बाद जो है, इफ यू वांट टू हैव अ डिस्कशन विद मी ऑन एनी पॉइंट यू कैन रीच आउट टू मी ऑन दिस पर्टिकुलर टेलीग्राम ID। ठीक है, एंड गाइस जब भी आप एनरोल करें प्लस में या आइकॉनिक में, तो ये कोड ध्यान रख लीजिए DJ10, दैट विल फेच यू a 10% instant discount bhi. I hope it is clear guys. Thank you so much. Have a nice day and take care of yourself.